आज के एससी प्रीमियर कप के मैच की बात करें तो कुवैत वर्सेस कंबोडिया आज मैच हुआ है, जिसकी जो कुवैत ने बहुत ही आसान से उस गेम को जीता। उसका सारा स्कोर अपडेट्स आप कम्युनिटी में जाकर चेक कर सकते हैं। बात करते हैं आप ओमान वर्सेस बहरीन के मैच की। ओमान वर्सेस बहरीन एक हाई स्कोरिंग गेम जरूर रहा, लेकिन एट द एंड टीम आखिर वही जीती जो फेवरेट कैटेगरी में कहीं ना कहीं शुरू से ही नहीं थी। और आज भी वही देखने को मिला, कल भी बहरीन थोड़ी टक्कर जरूर दी लेकिन ओमान जीता, और यूएई को टक्कर जरूर थी लेकिन एट द एंड रिजल्ट वही आया। तो जैसे पहले भी कहा था आपको, टक्कर वक्कर ये सब फाइट वाइट वो सब चलेगा, रेस्टोरेंट से पहले आपसे कहा था, लेकिन एट द एंड फेवरेट्स में से ही कोई एक भी वही टूर्नामेंट जीतने वाला है और टूर्नामेंट वही जीतेंगे, ये कहीं ना कहीं आप निश्चिंत रहिए। शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस से, जानते हैं कहां मामला खराब है। जरूर, यूएई ने पहले बल्लेबाजी की है और एक से छह ओवर की बात करें यूएई की तो 67 रन बनाए बिना कोई विकेट गंवाए, वहीं बहरीन ने 60 रन किए, 60 रन दो विकेट के नुकसान पर। पहला फेस यूएई के नाम रहा। दूसरे फेस में 7 से 15 ओवर की बात करें 107 रन एक विकेट के नुकसान पर बनाए यूएई ने, और वहीं बहरीन ने 91 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर। ये फेस जो है वो भी यूएई के नाम रहा। डेथ फेस 16 से 20 की बात करें तो यहां 65 रन बनाए यूएई ने 5 विकेट के नुकसान पर, वहीं बहरीन ने 48 रन 48 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। ये फेस यूएई के नाम रहा क्योंकि इस फेस में वो मैच भी अपने नाम करके चले गए, रन से भी वो काफी आगे थे और इस फेस पे मैच भी अपने नाम वो उन्होंने ले लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 236 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद, 38 डॉट बॉल्स उन्होंने अपने इनिंग के दौरान खेली। वहीं बहरीन ने चेस के जवाब में 199 तक वो पहुंच पाए 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कि 33 डॉट बॉल शामिल। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं फेस बाय फेस का हाल रहा जहाँ पर यूएई ने डोमिनेट जरूर किया है। अब बहरीन के लिए सबसे बड़ी एक चिंता वाली बात ये है कि उनकी जो जो फील्डिंग उनकी रही है, फील्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, फिर डेफिनेटली यूएई की बैटिंग पे भी आऊंगा, फील्डिंग जो उनकी रही है वो किसी भी सूरत में एक टूर्नामेंट जीतने वाली टीम की नहीं हो, कभी नहीं हो सकती। उनकी फिटनेस बहुत ही पुअर है, जो भी उनके जो फिटनेस ट्रेनर जो उन पर काम कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो आखिर सैलरी किस चीज़ के ले रहे हैं। क्योंकि एसीसी प्रीमियर कप जो नेपाल में हुआ था वहां पर भी हमने एनालिसिस में ये मुद्दा उठाया था कि बहरीन की फिटनेस और उनकी फील्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा हमें लगती है क्लब अकेडमी लेवल की फिटनेस उनकी नजर आती है। और अभी भी देखिए एक साल हो गया कुछ भी चेंज नजर नहीं है, इसलिए हमने कहा वो फिटनेस ट्रेनर जो भी है अपने फालतू में सैलरी दे रहे हैं, आप थोड़ा सा या फिर चेंज करिए या फिर उनसे कहिए कुछ और बेटर काम करवाएं, फिटनेस लड़कों की बिल्कुल भी नहीं है, फुली फ्लैट नजर आते हैं। फील्डिंग बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि बिलो एवरेज पुअर कैटेगरी में रहती है, एक आप कभी कभी फील्डिंग अच्छी दिख जाए तो उससे लगता है कि बैकअप मौजूद नहीं रहता, बैकअप भी मौजूद नहीं है जब फील्डर थ्रो कर रहे हैं, बैकअप ही नहीं है। ये आम तौर पर एक आम चीज होती है कि तो फौरन किसी का बैकअप में आना, फील्डिंग में 30 yards से तो ढेरों सिंगल लिए गए हैं, ढेरों रन लिए गए हैं, आराम से 30 yard में वो टच कर रहे हैं और सिंगल आ जा रहा है मिड ऑन और मिड ऑफ के हाथों से। बिल्कुल, तो इस तरह की फील्डिंग, इस तरह की फिटनेस, इस तरह की खामियों से डेफिनेटली टूर्नामेंट जीतने के इरादे अगर आपके हैं तो बहुत ही जल्द टूट जाएंगे, और आप टूट भी गए, दो मैच आप लगातार हार गए, अब आपके हाथ में तो कुछ रहा नहीं बहरीन के हाथ में, अब आपको खुद के दो मैच जीतने, फिर साथ में दुआ करने की वो उसको हरा दे, ये उसको हरा दे, इसका वो कम हो जाए, यानी आपके आपके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। शुरुआत यहाँ पर देखिए, अगर यूएई की बैटिंग की बात की जाए, बैटिंग कार्ड अगर हम करें, शुरू के टॉप 3 बैट्समैन पूरी तरह से उन्होंने डोमिनेट किया। अगर आप बात करें अलीशान शराफू लगातार रन कर रहे हैं, पिछले मैच में जबरदस्त 90 की इनिंग खेली, आज 41 पे 78, उसके बाद वसीम को देखें तो 40 पे 65। वसीम शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, शुरू की 15-20 गेंदों में, एक बार जब सेटल इन हुए तो उन्होंने भी अपने स्ट्राइक रेट को बहुत ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद जो फिनिशिंग टच दिया वो 27 गेंदों में 66 रन आसिफ खान ने दिया। अब एक ये सारी इनिंग जो आई है और उसके इसी के बदौलत टीम ने जो है लास्ट में जो आप 2-3 विकेट देख रहे हैं वो एक ही लगातार फ्लो में आते चले गए एक ही ओवर में, और पूरी टीम जो है 236 रन बना पाई 20 ओवर में, जो कि बहुत ही अच्छा खासा टोटल बोर्ड पर टांग दिया आपने। खैर, अब बात करते हैं यहाँ पर बहरीन की बॉलिंग डिपार्टमेंट की। जैसे हमने शुरू में ही आपसे कहा, फील्डिंग तो बहुत ही ज्यादा पुअर दर्जे की रही है, फिटनेस लेवल है नहीं, फील्डिंग में बैकअप नजर नहीं आता, एक का डबल, डबल का बाउंड्री, ये सब आम चीजें हमें नजर आती है, कैश ड्रॉप्स, ये भी बहरीन के में कल भी देखा था आज भी देखा था। एंड बॉलर्स का क्या हाल है अगर हम बहरीन के यहाँ पर बात की जाए? जरूर देखिए, बॉलर्स फिर से एक तो ख्याल है ना कि या तो बॉलर्स कुछ लेग साइड में डाल रहे हैं या बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, शॉर्ट एरियाज में भी है, शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं तो आपके पास स्पीड नहीं है, आप उस तरीके से नहीं डाल रहे जहां डालनी चाहिए। यहाँ पर इन पिचेस पर आप थोड़ा सा गुड लेंथ पर अगर रखेंगे बॉल तो बहुत फायदा देगा, या तो बल्लेबाज फुल लेंथ पर चले जा रहे हैं वहां से बॉल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फुल लेंथ से ऐसी पिचों पर नहीं उठती है भाई बॉल, ये पिच वैसी नहीं है कि आप जहां डालेंगे तो साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की है जो अचानक ऊपर आएंगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फुल लेंथ डालेंगे तो कमर के नीचे ही रह जाएगी वो बॉल, नहीं आएगी इतनी हाइट तक कि वो बिल्कुल फुल बॉल स्लॉट बॉल बन जाती है, इतना मार्जिन जो है वो कम रहता है।
और यहाँ पर जो बॉलर्स हमने देखे बहरीन के, चाहे वो अली दाऊद हो, रिजवान भट हो, वीरा पथीरन हो, इन सब ने इतने हैविली रन दिए हैं आज। अगर हम वीरा पथीरन ने तो दो ओवर में 39 रन दे दिए। जी हाँ, और सेम इसलिए ये ख्याल आया दिमाग में कि लेग साइड में बहुत सारा बॉलें दी गई हैं, शॉर्ट बॉलें हैं, स्पीड उसमें है नहीं। आपको गुड लेंथ जो एरिया है जहाँ से आप बॉल बैट्समैन के चौथे स्टंप पर गुड लेंथ एरिया में अगर पकड़ के चलेंगे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन वो एरिया बहुत मुश्किल से ही हमें दिख रहा है कि कोई बॉलर उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब्दुल माजिद ने 4 ओवर में 30 रन 1 विकेट निकाला, वो सबसे अच्छे बॉलर आज वही रहे। स्टंप को उन्होंने बहुत टारगेट किया, मोहम्मद वसीम ने उन पर थोड़ी सी बाउंड्री लगाया, लेकिन उन्होंने अच्छी जो है कलेक्टिव बॉलिंग। बिल्कुल, अब आपको कार्ड देखो तो लग रहा होगा इमरान अनवर सबसे अच्छे बॉलर है, 3 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट उन्होंने निकाले, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। उनके लास्ट ओवर में ही सब हवाई फायर करने जा रहे थे, अंदाजन उसी ओवर में उन्होंने वो 3 विकेट लिए, वरना उससे पहले उनका जो टैली था वो 3 ओवर में 36 रन 0 2 ओवर में 36 रन और 0 विकेट था। तो इसीलिए बिल्कुल भी नहीं, उस नंबर से बिल्कुल भी हैरान हुई, सबसे अच्छी बॉलिंग अब्दुल माजिद की रही है। बात करते हैं चेस की। अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी, जैसे शुरू में भी इस टूर्नामेंट से पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपके सामने कहा था कि टूर्नामेंट जीतने के लिए बहुत सारी चीजें आपके अंदर चाहिए, आपके अंदर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं, सिचुएशन को आप किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह की आपका तैयारी, ये सब चीजें हैं। उसमें एक छोटी सी चीज है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना जरूर, और वो चीज हमें बहरीन के में आज फिर नदारद मिली है। आप कहने को दुनिया भर की, आप दुनिया भर से आपको तारीफें मिलेंगी, क्या लड़े हैं लड़के, 236 में 199 तक पहुंच गए, क्या क्या मिलेंगी लगता नहीं, क्या फायदा, जिन्हें जो कर भी रहे होंगे उनकी वो फैंस नहीं है ना बहरीन में, इसलिए तारीफ कभी। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर तो वही है कि ये बेतुकी सी बात है, आप यहाँ पर टूर्नामेंट जीतने के लिए आए थे, और बहरीन की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो T20 में बहुत वक्त से वो लगातार खेल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सिर्फ टूर्नामेंट आकर पार्टिसिपेट करें, वो भी T20 फॉर्मेट में, 50 ओवर फॉर्मेट में फिर भी आपसे मिल जाता है, T20 फॉर्मेट में मिलता है, जब दुनिया भर के लोग कहते रहते हैं T20 फॉर्मेट है कुछ भी हो सकता है, 10 की 10 चीज फेवरेट है, बकवास है, वो फालतू सोच है जो सोचते हैं। देखिए एक एक करके चीजें निकल कर आ रही है। सिचुएशन की मैं बात करता हूँ, शुरुआत जबरदस्त दिलाई, बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी देख रहे हैं, उमेर तूर 17, ओपनर जो है वो 17 और 35 किया, वन डाउन सरफराज अली, यहाँ पर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन लाना चाहिए था जो हमें नजारा दिखा सरफराज अली 14 की तरफ से। इमरान अनवर ने 63-60 रन किए, हिटिंग जबरदस्त है इनकी, स्ट्राइक इनका आउटस्टैंडिंग है, आपके सामने हम कम्युनिटी में डालेंगे, जरूर देखिएगा आप भी जिन्होंने मिस आउट किया है, बस यही बैटिंग कार्ड में कहानी रही। अब आप देखिए आपको एक चीज बताते हैं, 11 ओवर में बहरीन 130 रन पर 2 विकेट था, यानी लगभग उन्हें 107 रन चाहिए थे नेक्स्ट 9 ओवरों में, यानी अगर आप देखें तो 11.5 के आसपास से रनरेट यहां पर चाहिए था। देखिए यहां पर उन्होंने क्या किया, जब यहीं पर एग्जैक्टली विकेट गिरा तो जो भी बल्लेबाज आए उन्हें लगा कि हमें 21 का एवरेज, इनके 21 का रिक्वायरमेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिचुएशन को ढालने के हिसाब से बात कर रहा था, 236 रन आपको बोर्ड पे चाहिए तो यकीनन आपको शुरुआत तेज चाहिए, वो शुरुआत आपको इमरान और दोनों ही इमरान दिला दी। शुरू में 11 ओवर में 132 रन, आप तो जबरदस्त तरीके से है चेज में, लेकिन अब आपको यहाँ क्या करना था, बस सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना था, हर ओवर में एक बाउंड्री के लिए ट्राई करना था और बाकी सिंगल्स निकालने की कोशिश करनी थी, और इसको धीरे धीरे ले जाकर 15-16 ओवर तक ऐसे ही चलने देना था, उसके बाद आखिरी के 4 ओवर होते आपके पास 7 विकेट करीब होते, फिर आप अटैक के लिए जाते तो आप इस गेम में या तो बहुत ही करीब होते या फिर यकीन मानिए आज एक वर्दा आप एक इतिहास रच चुके होते। इस सिचुएशन को ढलने की हम बात कर रहे हैं, वो बहरीन में हमें कल भी नहीं दिखाता और आज भी नहीं। कल एक ओवर में 11 चाहिए थे, पहली बॉल में बिलाल चौका आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो अहमर नासिर थे उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब शॉट ट्राई करने की कोशिश की और उन्होंने वो चेस वेस्ट कर दिया, और आज फिर वेस्ट किया। बहरीन ने 2 बार इनएक्सपीरियंस का मुजाहरा जरूर किया है, बल्कि ये होते हुए कि उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये लड़के अभी के नहीं खेल रहे, आप चेक करिए इनके नंबर्स, काफी वक्त हो गया इन बहरीन के प्लेयर्स को टीम में, काफी मैचेस हो चुके हैं। डेफिनेटली तो बिल्कुल सही कहा है। एक चीज और हमें देखने को मिली थी, अगर आप देखें मलेशिया में जब वो एशियन गेम्स में थे, वीरेंद्र सिंह को भी कुछ ऐसे ही रन चाहिए थे, उनको तो 6 बॉल में 4 रन चाहिए, 5 बॉलों में 4 रन चाहिए थे, वो सिर्फ लेग साइड में ही टारगेट किए जा रहे थे, वो भूल ही गए कि ऑफ साइड पे भी कुछ है, ऑफ है, स्ट्रेट पॉइंट है, स्ट्रेट है, वो भूल ही गए। और एग्जैक्टली हमने कल भी देखा अहमद नसीर को 50 बार एक ही जगह ट्राई किए जा रहे हैं, और आज भी हमने ये देखा बहरीन के बल्लेबाजों में कि किस तरीके से इतनी ज़्यादा जो इन्होंने क्योस पैदा किया, मैस अपने सर में पैदा किया है कि 9 ओवर में जहाँ पर थोड़ा सा स्टैट्स के साथ क्रिकेट खेलते तो बहुत बेहतर होता, बजाय दिमाग में लाने के कि 9 ओवर में 100 रन चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा, सब मारने के लिए चलेगा, सारे विकेट ऐसे ही
गिरे। बिल्कुल सही कहा, सबको लगा कि अरे हमारे इमरान भाई ने आज ऐसी इनिंग खेली है, सबने हवाई फायर किया, हम भी जा रहे हैं, अब हमें भी हवाई फायर करना है, जबकि उनको आपसे रिक्वायरमेंट चाहिए था, उन्होंने करके दे दिया, लेकिन आपकी ज्यादा पार्टनरशिप कर इसको डीप तक लेके जाने की आप नहीं लेके होगा। बहुत पहले चेज खत्म हो गया था, वो तो फॉर्मेलिटी 199 तक गया, लेकिन जब 140 से 5 हो गए थे कहानी वही खत्म होने लग गई थी। एंड बात करें यहाँ पर यूएई की बॉलिंग डिपार्टमेंट की, बॉलिंग दोनों मैचों में एंड इतनी खासा नहीं हुई है जी। डेफिनेटली कुवैत बहरीन वगैरह चलिए ठीक है, उनको आप कुछ भी कह सकते हैं, जब आप यूएई की बात करते हैं एक ओडिया स्टेटस की टीम में आप कुवैत के खिलाफ 178 और आज लगभग 200 रन। जरूर इसमें एक ही हम बॉलर को क्रेडिट दे सकते हैं, वो है अयान अफजल खान। ये अयान कमाल, बिल्कुल पिछले मैच में उन्होंने अच्छा किया, कंट्रोल रखा बॉलिंग में, पर आज उन्होंने विकेट भी निकाल के दिए, 3 विकेट निकाले 4 ओवर में 26 रन देकर। और मोहम्मद फारूक जो लेग स्पिनर है, इन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग आज कराई है, इतनी ज्यादा जो है थोड़ा विकेट दे रहे थे, मारने का मौका दे रहे, काफी एयर में रख रहे थे बॉल, देर से बैट्समैन तक पहुंच रही थी बॉलें, तो काफी ज्यादा यहाँ पर इनकी गुगली भी हो रही थी बॉल देखकर अच्छा लगा। तो 3 ओवर में इन्होंने 24 रन और 2 विकेट। इमरान अंदर को बोल्ड भी मारा है, बिल्कुल सही कहा आपने, तो देखकर अच्छा लगा कि टप्पा इनका अच्छा जो था, बार बार बॉल इतने यंग है, उम्मीद नहीं होती है कि ऐसे आप आए और आपका जो एक टप्पा है वो सही जगह पर आपकी बॉल पड़े, तो ये देखकर अच्छा लगा फारूक को देखकर। पर पेसर्स जो है वो बहुत ज्यादा रन लीक कर रहे हैं, जुनैद सिद्दीकी, आकिफ और अली नासिर बहुत रन लीक कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि हाई वोल्टेज मैचेस आने से पहले थोड़ा सा अपने आप को, हम इतना हार्श नहीं होंगे आप पर, आप वापसी जरूर कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिखेगा कुछ बॉलिंग में, कुछ बात दिखेगी तो आपकी जरूर तारीफ करेंगे, लेकिन आज तीनों बॉलर्स की बॉलिंग में कोई बात नजर नहीं, बिल्कुल सिवाय एन अफजल खान जी। हाँ, अब फारूक ने आज के डे में थोड़ी बेहतर, बहुत अच्छी लगातार कंसिस्टेंसी रहती है एन अफजल खान, बहुत अच्छी, इसमें कोई दोराय नहीं है। खैर, और इसी तरह से यूएई ने इस गेम को जीता और लगातार 2 मैचेस अब वो जीत चुके हैं, लेकिन अब उनका सामना होना है एक रियल स्ट्रॉन्ग टीम से, बात करेंगे ओमान, ओमान वर्सेस यूएई मैच होना है अब नेक्स्ट दोनों यूएई का, उसमें मजा आएगा, देखने क्या कुछ चीजें यहाँ पर होती है। बहरीन के लिए अब लास्ट के अपने दोनों मैचेस जीतने हैं, फिर बैठ कर इंतजार करना है कि कौन किसको हराए क्या नहीं हराए, लेकिन अपने हाथ से उनकी चीजें पूरी से अपने हाथ से अब उनकी चीजें निकल गई, क्योंकि वो दोनों मैचेस अब हाँ जरूर गए हैं। फाइट देखी है, लेकिन इवेंट्स पर फाइट से काम नहीं चलता, आपको जीतना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।